अच्छा तो ये बताओ भाई, जैसे कि ये पार्ट है इसका साइलेंसर, हम बाहर से लगवा देते हैं इसे, तो इसकी गारंटी वगैरह ख़त्म हो जाएगी या कोई कोई इशू नहीं है? रिले होती है, सेल्फ रिले, स्टार्ट रिले, पंप रिले, एसएससी रिले, अगर तुम्हें कोई इशू लूज होगी ना तो गाड़ी में स्टार्ट होगी दिक्कत, तो स्टार्टिंग वाली एक में ही तो दिक्कत आई भाई इस चीज़ की। अगर हम इसकी सीट वगैरह भी बदलवाते जब भी गारंटी ख़त्म है। हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। तो भाई इसकी सर्विस करवाने जा रहे हैं, उसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। और साइलेंसर बदलवाना है, सेकंड सर्विस है और इसका साइलेंसर बदलवाएंगे। अब तो इसमें साइलेंट वाला है, वैसे तो भाई इलीगल है पर शौक बड़ी चीज़ है, करवाते हैं उसको भी चेंज। तो फर्स्ट सर्विस कितने पे हुई थी इसकी? फर्स्ट सर्विस 500 पे। अब 2500 पे थी दूसरी? 5000 पे। फिर अभी से क्यों? इसकी टाइमिंग पूरी हो गई भाई, दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे एक तो आपके किलोमीटर पूरे हो जाएं या एक टाइम पीरियड पूरा हो जाए, तो वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो इस वजह से दूसरी। भाई चलते हैं, साइलेंसर भी बताऊंगा मैं आपको कितने कितने के मिलेंगे इसके। और अब चलते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे है सोना के पास है शोरूम इसका बुलेट का, वहीं करवाते हैं। भाई यहाँ पे आप अपनी रॉयल इनफील्ड की बाइक देख सकते हो, क्लासिक और स्टैंडर्ड ही है। इलेक्ट्रा तो क्योंकि भाई बंद हो चुकी है। हाँ भाई फर्स्ट सर्विस बताओ क्या क्या होता है। ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर, हाँ फिल्टर, हाँ कॉपर वाटर, हाँ एयर फिल्टर चेक करा जाता है, कंडीशन देख के फिर चेंज करा जाता है, हाँ चेंज साफ होती है। ऑयल कितना आ जाता है इसमें? 2 लीटर 300 ml। हाँ हाँ तो भाई फर्स्ट पे हो गया, ऑयल वगैरह ये सब कुछ चेकअप हो जाता है। सेकंड पे बताओ क्या होता है? सेकंड पे से ऑयल टॉप अप होता है, हाँ अधिकतम होता है पूरा करा जाता है, हाँ एयर फिल्टर चेंज करा देता है, ठीक है चेन की चेन देख जाती है लूज है टाइट है, ठीक है हाँ 25 से 30 mm टाइट होती है चेन, ठीक है पहले डिस्पैक चेक करा जाता है क्लीन होते हैं डिस्पैक, हाँ ठीक है फ्रंट क्लीन होते हैं, हाँ पलक क्लीन होता है, हाँ ठीक है पलक का गैप चेक करा जाता है, हाँ ठीक है पहले चेक की जाती है। अच्छा तो ये बताओ भाई, जैसे कि ये पार्ट है इसका साइलेंसर, हम बाहर से लगवा देते हैं इसे, तो इसकी गारंटी वगैरह ख़त्म हो जाएगी या कोई इशू नहीं है कंपनी को? गारंटी ख़त्म हो जाएगी कंपनी में हो जाएगी। अब इसकी गारंटी कितने दिन की है और क्या क्या गारंटी आती है इसकी? कौन कौन सी एसेसरी की गारंटी रहती है? एसेसरीज कौन सी की गारंटी है? अब इसमें कुछ भी ख़राब हो गया तो कंपनी क्या क्या हमें बदल के दे सकती है, मतलब बिना पैसों के? आप कह रहे हो ना अगर इसकी साइलेंसर हमने चेंज करवा दिया वारंटी खत्म है, किस चीज़ की वारंटी खत्म है? वो इंजन की वारंटी खत्म है, मतलब पूरी आल गाड़ी की वारंटी खत्म है अगर आपने साइलेंसर चेंज करवा दिया, हाँ ठीक है अगर साइलेंसर चेंज हुआ आगे चला गया गाड़ी में लोकल साइलेंसर कंपनी में, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी वो देख लेगी साइलेंसर कौन सा है तो वही आपकी गाड़ी पे सिस्टम अपडेट कर देगी, उससे आपकी वो रॉयल एनफील्ड कंपनी गारंटी नहीं देगी, ठीक है। अगर बाई चांस हम ऐसे करते हैं घर पे अपना वो करवा लेते हैं पंजाबी ढोल वो साइलेंसर और यहाँ पे इसे लगा के ले आते हैं, तो फिर तो कुछ नहीं पता लगेगा? वैसे कुछ पता नहीं चले, बाई चांस पता चल जाए। अच्छा इंजन की गारंटी ख़त्म हो जाती है? इंजन ऐसा कोई केस आया है आपके पास अभी तक, कोई इंजन वगैरह ख़राब हो गया वो हेड वगैरह? वो होता है कई बार सर्विस टाइम पर ना होती ना, क्या होता है वो केस हो जाता है? आया एक आध केस ऐसा? सर्विस ड्यू कर देते चलाते नहीं है। ये बताओ भाई आप सर्विस करते हो, सबसे ज़्यादा क्लासिक आती है स्टैंडर्ड आती है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड
अब इसके एक सेल्फ में और दिक्कत आ रही है, इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा अच्छे से, उसमें क्या इशू पाएगा भाई? ये जैसे मैं इसको वॉश करता हूँ, उसके बाद में ये जो है ना अपना सेल्फ 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 काम नहीं करता, क्या वजह है इसकी भाई? कभी भी वॉश करो और जो एयर मारता ना एयर टूल बॉक्स में लगवाओ, पलक पे लगवाओ, जिससे क्या हो पानी होता है ना पानी सूख जाता है। अच्छा, तो जब काम करेगा तो अच्छा वॉशिंग करते हो पानी अंदर पे जाता है और सेंसरों में। और जो इसमें सर्दियों के मौसम में जो प्रॉब्लम आती है कि शायद ये सेल्फ में किक मारनी पड़ती है, किक मारने के बाद जब गर्म सी हो जाती तब सुबह सुबह सर्दी में किक से करो स्टार्ट, क्योंकि सर्दी में बैटरी डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ठंडे होने के कारण बैटरी वीक हो जाती है, जल्दी स्टार्ट होती है, वोल्टेटर तुरंत चार्ज कर देता है। बस सर्दियों के लिए घरेलू कोई ऑप्शन नहीं है, घरेलू टॉप। एक चीज़ और बताओ भाई, छोटा से मतलब जो इनके बल्ब वगैरह होते हैं वैसे तो ज़्यादा महंगे नहीं आते, आते हैं 20-30 के, अगर वारंटी में हो तो ये कंपनी चेंज करके देती है? बल्ब रबड़ पार्ट कोई गारंटी नहीं है। नहीं है कोई भी रबड़ पार्ट कभी खराब है उनके? अच्छा, टायर वगैरह गारंटी किस किस चीज़ की आती है उसमें? इंजन की आती है, इंजन की आती है और कुछ चेन सेट की। हाँ, चेन सेट की कितनी? 5 साल की गारंटी होती है? 6,000 किलोमीटर 3 महीने। और भाई ये फर्स्ट सर्विस लगभग कितने के आसपास बैठ जाती है? फर्स्ट 1300 के आसपास 1200 था मेरा पहला। अब ये सेकंड सर्विस है, ये कितने के आसपास पहुंच जाएगी? मैं 500 के। तो 500 में आप इसमें कुछ चेंज भी करोगे? बस ये चेकअप ही है इसका, बस ये 500 में। तो इसकी सर्विस में मतलब ज़्यादा कुछ हम करते नहीं है? सेकंड में नहीं होती, सेकंड में नहीं होती, थर्ड में फिर ऑयल डल जाएगा, ऐड हो जाएगा। और भाई कंपनी देती है इस साइलेंसर को? नहीं नहीं देते। जेनुइन? हाँ, वो वैसे वाला आवाज करता है टुक टुक? नहीं है भाई। इस चीज की अगर हम इसकी सीट वगैरह भी बदलवाते जब भी गारंटी खत्म है? जब भी अच्छा ओनली इंजन पार्ट तो जब है या कोई वायरिंग अच्छा भाई जैसे इसको मैं लगातार चलाऊं तो ये बहुत ज्यादा हीट करती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम इंजन पे जैसे ठंडी करनी है कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज़्यादा हीट होने पे भी? अगर ज़्यादा हीट कर रही है तो आधा घंटा रेस्ट है, कंटिन्यू गाड़ी चलाओगे तो 200 किलोमीटर कम से कम आधा घंटा का रेस्ट जाना पड़ेगा। 200 किलोमीटर घंटा का रेस्ट जैसे अभी से मनाली मनाली साइड लेके जाएँ तो रेस्ट चाहिए। मनाली गए तो मैं मनाली में चंडीगढ़ जाके आपको आधा घंटा रेस्टोरेंट का देंगे। ये बताओ भाई अब इसका सेल्फ खराब हो उसकी बताओ ना, वो गारंटी में होगा कैसे होगा वो काम? गारंटी में होगा, गारंटी में अभी हो जाएगा, आप ही करोगे या फिर? अच्छा, इसके जो पलक उड़ते हैं भाई, फ्यूज जिनको बोलते हैं, फ्यूज जो उड़ जाते हैं वो मिलते हैं फ्री में या फिर नहीं? ना वो पैसे नहीं मिलते, क्योंकि पहले इसका फ्यूज उड़ गया। पलक ये कोई गारंटी नहीं, पलक कभी। ये और बताओ भाई जो ये साइलेंसर में ये सेंसर्स बोलते हैं जिन्हें हम ये लगे हैं इसमें, ऑक्सीजन क्या पॉल्यूशन चेक करा? पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, पॉल्यूशन कम कर देता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर ये पॉल्यूशन जैसे ज़्यादा करने लगे फिर क्या करेगा ये? फिर सेंसर खराब हो सकता है या इंजन कोई दिक्कत? पहले बुलेट में 2 स्पार्क लगाते थे, अभी 1 आ रहा है इसमें, ऐसा क्यों? नॉर्मल EFI का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जैसे गाड़ी में होता है ना। हाँ, वो सिस्टम फ्यूल इंजेक्टर वगैरह ये दे दिया, तो इसलिए ना जो 2 प्लग बैठा
भाई एक बात और बताओ, जैसे पहले के मुकाबले पहले में दिक्कत आ जाती थी उसमें ज्यादा आती है या अब जो ये नई आई है इसमें ज्यादा दिक्कत आती है? पहले मुझे गाड़ी कहीं पे खड़ी गिर जाती थी तो स्टार्ट नहीं होती, वो कार्बोरेटर हो कार्बोरेटर में से तेल निकल जाए ओवर हो जाती थी, आधे घंटा एक घंटे में छुट्टी रहती थी। नहीं जो इससे पहले आई थी BS4 उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है उसमें ऐसा कुछ हाँ गिरने के बाद अगर गाड़ी गिर गई ना हाँ तो स्टार्ट नहीं होगी। हाँ तो ये गाड़ी ऐसी है इसमें गिर भी गई ना हाँ तो 5 दिन बाद जब स्टार्ट होगी पेट्रोल सप्लाई चलता। अच्छा, और ये इनके कार्बोरेटर में बहुत ज़्यादा दिक्कत बताते हैं, ये बोलते हैं कि अगर 2-3 बार हवा लेने के बाद दिक्कत आ जाती है बाइक में? कुछ नहीं हवा, आपको कोई चीज़ पेट्रोल खत्म हो जाएगा हाँ सेल्फ मारते मारते रहे कार खराब भी हो सकती है, कार्बोरेटर हो जाती है पता नहीं हो पेट्रोल कितना मेरी गाड़ी में। तो इसमें तो कोई मीटर वगैरह भी नहीं है इसमें ना, तो कोई हमारी वो नॉब है नीचे से रिजर्व का साइन दिखाती है, ये भी ख़राब है इसका, ख़राब हो गया इसमें पेट्रोल भी ख़त्म हो लिया, ये आज तक ऑन ही ना हुआ, ठीक कर जाएगा इसे भी अभी ठीक कर दोगे? इसमें 4.5 लीटर का जब 4 लीटर रह जाएगा, 4 लीटर इतने रह जाएगा जब आएगा इसमें सिंगल। हाँ और जो एक और है इसमें इंजन का सा साइन, ये किस चीज़ का है? वायरिंग ना ये साइलेंसर में कोई दिक्कत आती है या कोई स्टार्ट नहीं हुई तो वो स्टार्ट हो जाएगी, ऑन हो जाएगी स्टार्टिंग, अगर स्टार्ट में ऑन है चलते समय ऑन है तो गाड़ी में कहीं भी दिक्कत है, दिक्कत है अगर बंद हो रही है एक बार बिलिंग करके तो ठीक है, अगर स्टार्ट होने में बंद होनी चाहिए गाड़ी वो बिलिंग लाइट जब तक स्टार्ट नहीं होगी, ये कह रहा हूँ स्टार्ट तो होगी हाँ जब तक लाइट स्टार्ट करी हाँ चलाई हाँ। तो ये लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। अच्छा, अगर ऑन हो गई तो गाड़ी कहीं दिक्कत सेंसर होगा। भाई ऐसा अभी तक आपके पास कोई कार्बोरेटर का भी केस आया है हवा लेने की वजह से 3-4 बार खराब नहीं आया अभी? पहली का कार्बोरेटर था वो बार बार लिकट जाता था उसमें, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। हाँ फटाके वैसे स्टार्ट करने में भी बहुत बार। और भाई तीसरी सर्विस कितने में होगी इसकी और कितने किलोमीटर पे होगी? पहली सर्विस 45 दिन हाँ 500 किलोमीटर हाँ, दूसरी है 6 महीना हाँ 5,000 हाँ, तीसरी है 10,000 किलोमीटर हाँ, एक साल। अच्छा, और तीन ही सर्विस हैं और चार सर्विस फ्री, चौथी सर्विस है हाँ 15,000 18 महीने चार सर्विस इसकी फ्री है बता। और उसके बाद में क्या क्या रहता है सर्विस, कितनी रहती है पेड सर्विस? लगभग 850 किलोमीटर चार्ज हो जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज। और लमसम कितनी बनेगी जैसे? 2200 भाई आधे घंटे में हो, आधे घंटे में हो जाती होगी पेड सर्विस? नहीं पेड सर्विस कितना? एक इसमें 4 लीटर रहेगा तो ये बिलिंग करेगी। तो भाई एक बात और, इसकी एवरेज कहाँ से सेट होती है? इसके कोई अभी मौसम के हिसाब से अपना सेट अपने आप पे कोई अभी सेट नहीं। और भाई इसमें रिजर्व नहीं है ना? नहीं है, वो नॉब यहाँ पे होती है ऑटोमेटिक है ये ऊपर आपको पता लगे जरूर लग गई आपको अंदाज़ वो बेकार चीज़ है वो आदि में तो काम ही नहीं करता, नॉब सही थी उससे अंदाजा रहता था। अब वो नई गाड़ी अपडेट करा। हाँ तो भाई आप बताओ इसमें मीटर की कमी नहीं खलती? हाँ भाई ये फ्यूल की तो दिक्कत है इसमें, फ्यूल तो भाई डलवाओ और अंदाजे के हिसाब से चलाओ हिला के टंकी जैसे रिजर्व लगती है ना और गाड़ियों में उसमें हिसाब लगाओ मेरी गाड़ी कितना पेट्रोल है ऐसे तुमको इसमें हिसाब लगा। नहीं वहाँ तो वो जैसे भाई सिग्नल देती है ना झटके मार रहे थे फिर हम उसको रिजर्व में लगा लेते हैं। वो आप नहीं इनमें भी ना हारो किसी में सब्लेंडर में भी ना हारो
कार्बोरेटर तो मैं बंद हो गया, जितनी बी एस सिक्स है ना छोटी से बड़ी गाड़ी सब बी एम है, तो इनकी एवरेज कितनी देती है कंपनी लिख के? कंपनी देती है 35 प्लस। 35 प्लस दे कितने की देती है? हाँ लगभग 35 ना पिए तूने कभी? देते एवरेज में सुधार कर दिया। और भाई जो पुरानी में अगर करंट ना जाए बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, ये हो जाती है नहीं? अगर बैटरी डाउन हो जाए करंट ना रहे ना हो भी बैटरी नहीं के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी के साथ बैटरी अभी टेंटर वो कौन चाहे कितनी के कम आप अगर बैटरी होगी भी ऑन है तो स्टार्ट हो जाएगा, मिसिंग मारे बैटरी के चाहे डिस्पैच कितने दिन में बदल जाते हैं इनके? 5,000। और टायर डेली वैसे फिर भी एवरेज क्या है? 24-25 हज़ार 20 पे सही। इसे चार्ज नहीं करोगे आप? इसकी कमी हो जो सेल्फ ना ले रही हो? रिले होती है सेल्फ रिले स्टार्ट रिले पंप रिले एसएससी रिले, अगर तुम्हें कोई चीज लूज होगी ना तो गाड़ी में स्टार्ट होगी दिक्कत। तो स्टार्टिंग वाली एक में ही तो दिक्कत आएगी, अगर मतलब कोई और ख़राब हो जाती है स्टार्टिंग वाली सही है फिर तो स्टार्ट हो जाएगी एक में। ये दिवाली है ये वाली एक स्टार्टिंग की है और ये और ये एसेसरी है ये पंप रिले ये इंजेक्टर ले। बाई चांस ये ठीक है और ये सारी ख़राब हो जाती हैं तो कोई दिक्कत आएगी? हो जाएगी ना स्टार्ट। और ये फ्यूज है ये फ्लैश इंडिकेटर फ्लैश हेडलाइट का भी यहीं पे है ये हाँ क्योंकि हेडलाइट को मैंने चेंज करवाया, इसमें से उड़ गए थे भाई फ्यूज। अब सेल्फ वाला कितने का लग रहा है इसमें बता सकते हैं? सेल्फ वाला इसमें होता है अगर भाई अब हमारी बाइक खड़ी रही थोड़ी बहुत रनिंग है हमारी तो कितने दिन में बोलेगा खराब भाई? छः महीने हो जाए
हाँ तो भाई 263 रुपये में अपनी सर्विस हो गई है कंप्लीट। सेकंड फ्री सर्विस थी इसमें भाई, ये हमारा जो लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, ये तो हमारा गिरा है इसमें ऑयल, और ये चैन लुब्रिकेशन है, ये हमारी चैन पे जो ऑयल डलता है वो डला था। और भाई 100 रुपये पता नहीं इन्हें माफ़ कर दिया हमारे सर्विस के, धोने को वॉशिंग के मतलब जो बाइक को, वो हमारा अपना जुगाड़ था। तो भाई सही है, 263 रुपये में हमारी सर्विस होगी। और मैं एक बार बाइक दिखा देता हूँ, दोस्त सर्विस के कितने रुपये लाओ तुम बाइक धोने के? 70। तो भाई यहाँ पे अपनी सेकंड सर्विस भी होगी है, और मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। और भाई अगर हम इसमें वॉशिंग भी ऐड करवा लेते तो इसमें इतना ही खर्चा हो जाता, 330 या 340, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।